आज का जो टॉपिक है हमारा इसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स ये जो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा यही सेम आपके कंटिन्यू रहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तो भीजल के क्वेश्चंस क्वेश्चंस और कैपेसिटर्स के के सीरीज पैरेलल क्वेश्चन सबका एक है तो वहां थोड़ा हम एक्सेलरेट कर देंगे आज मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट से सारा समझा रहा हूं सो प्लीज ध्यान दीजिए आज का जो टॉपिक है इसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स लिखना नहीं पहले समझेंगे टाइम मिल जाएगा लिखने का पहले कॉन्सेप्चुअली चीजों को अच्छे से समझो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में आपने बचपन में रेजिस्टेंसिस की ग्रुपिंग पढ़ी है सीरीज और पैरेलल पढ़ी है कि नहीं सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग आपने रेजिस्टेंसिस की पढ़ी है वही यहां पे है कैपेसिटर्स की सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग सीरीज का मतलब क्या होता है कि कनेक्शन होगा वन आफ्टर अदर पढ़ा हुआ है ना ये आपने तो so, सबसे पहला आ जाते हैं फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या है सीरीज ग्रुपिंग का मतलब है कैपेसिटर्स अभी हम इन्हीं के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर एक के बाद दूसरा कनेक्टेड होगा एक कैपेसिटर कनेक्टेड है फिर दूसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है फिर तीसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ये तीनों किसमें हो गए सीरीज में सीरीज का मतलब एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा एंड सोन so सीरीज में दो बातें आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट पॉइंट चार्ज रिमेन सेम मतलब पहले वाले के पास अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा तो दूसरे वाले के पास भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा तीसरे वाले के पास भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा so, में क्या सेम रहता है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में जब आप पढ़ते थे तो सीरीज में क्या सेम रहता था करंट यहां क्या सेम रहेगा चार्ज दूसरा पॉइंट सीरीज में वोल्टेज जो होगी वो डिवाइड होती है सीरीज में वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अब इसका क्या मतलब है प्लीज ध्यान दीजिए ऐसा क्यों? मतलब अगर सपोज ये तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, आपने टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट लगाई है तो तीनों के पास वो 20 डिवाइड हो जाएगी जरूरी नहीं है बराबर बराबर हो ऐसा भी हो सकता है एक के पास 10 हो दूसरे के पास 7 हो तीसरे के पास 3 हो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन अभी आऊंगा उन सब बातों पर मतलब तीनों की वोल्टेज का सम बराबर होगा अप्लाइड वोल्टेज के मतलब इन तीन कैपेसिटर्स के अक्रॉस अगर आपने वोल्टेज लगाई तो इसकी सपोज V1 वोल्टेज है इसकी सपोज V2 वोल्टेज है इसकी सपोज V3 वोल्टेज है तो V जो होगा वो V1 वन प्लस वी टू प्लस वी के बराबर होगा ये आपने रेजिस्टेंसेस में भी पढ़ा है कि सीरीज में वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड एंड करंट रिमेन सेम राइट अब देखते हैं क्यों ऐसा क्यों ध्यान दीजिए ये आपने कैपेसिटर कनेक्ट किए तीन आपने टोटल वोल्टेज लगाई V, V टोटल वोल्टेज लगाई मान लिया ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, मतलब वोल्टेज अक्रॉस A एंड B, वोल्टेज अक्रॉस एंड बी माने वी ए माइनस वी बी कितना होगा V जो आपने अप्लाई किया है यह बात क्लियर अब ध्यान दीजिए यह पॉइंट A है इस पॉइंट को भी हम A बोलेंगे यह सेम पॉइंट है और इस लॉजिक पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है ऐसा क्यों जरा देखो कॉन्सेप्ट क्या है इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट

कोई भी दो पॉइंट्स कंडक्टर से कनेक्ट कर दूं अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स अगर मैं कंडक्टर से कनेक्ट कर दूं बीच में और कोई सर्किट एलिमेंट ना हो कोई भी दो पॉइंट्स अगर कंडक्टर से कनेक्टेड होंगे देन देयर वोल्टेजेस या पोटेंशियल टाइम पे आया करो इज सेम कोई भी दो सर्किट कोई भी दो पॉइंट्स अगर किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट के कोई भी दो पॉइंट्स अगर कंडक्टर से कनेक्टेड है बीच में और कुछ नहीं है सिंपल कंडक्टर है तो वो सेम वोल्टेज पे होते हैं दैट इज दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सेम पॉइंट्स वो दोनों पॉइंट्स सेम पॉइंट्स होंगे सेम पॉइंट्स होने का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों पॉइंट किस पे होंगे इक्वल पोटेंशियल पे होंगे सेम पॉइंट होने का मतलब वो दोनों पॉइंट पे होंगे इक्वल पोटेंशियल इस पर ध्यान दो ये ए पॉइंट है ये भी ए पॉइंट है क्यों क्योंकि बीच में कंडक्टर है सिर्फ किसी भी टाइप पे पूरा पैरेलल सर्किट इस पे बेस्ड है किसी भी सर्किट में कोई भी दो पॉइंट्स कंडक्टर से कनेक्टेड हो जाए इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं अभी आगे आएगा

जो V1 होगा वो कितना होगा va ए माइनस ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह जो V2 होगा वो कितना होगा vc माइनस जो V3 होगा वो कितना होगा vd माइनस बीबी ये सो नो तीनों को जोड़ो V1 वन प्लस वी टू प्लस वी कितना आएगा VC-VC कट गया VD-VD कट गया va ए माइनस is विच इज अप्लाइड वोल्टेज यही मैंने बोला कि सीरीज में वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड का मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा ऐसा हो सकता है कि आपने थर्टी वोल्ट लगाया तीनों के पास टेन टन टन आ गया ऐसा हो सकता है थर्टी वोल्ट लगाया इसके पास ट्वेंटी ऐसा भी हो सकता है थर्टी लगाया इसके पास पंद्रह इसके पास दस इसके पास पांच सब हो सकता है कैसे निकालेंगे वो सब अभी बात करेंगे बेसिक पॉइंट इज वोल्टेज जो होगी वो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी ये बात समझ में आती है अब सीरीज ग्रुपिंग में इफेक्टिव कैसे निकालते हो आपके पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं। टाइम मिलेगा बेटा लिखने का समझने पे ध्यान दो अगर कोई मिसकंसेप्शन होगी तो वो भी दूर हो जाएगी ये तीन कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों किसमें हैं सीरीज में वन आफ्टर दी अदर कनेक्टेड है ये चमन वन ये चमन दो ये चमन तीन अप्लाइड वोल्टेज है वी मैंने क्या बोला इसके अक्रॉस वोल्टेज है v1 इसके अक्रॉस वोल्टेज है v2 इसके अक्रॉस वोल्टेज है v3 सो टोटल वोल्टेज किसके बराबर अप्लाइड के v1 प्लस v2 प्लस v3 नो no प्रॉब्लम अब सीरीज में क्या सेम रहता है चार्ज सेम रहता है q सेम रहता है चलो उसको भी देखते हैं यहां से निकला q चार्ज इधर से निकला q चार्ज इधर पहुंच गया q चार्ज कैपेसिटर में एक प्लेट पे चार्ज आया बीच में एयर है मूव तो नहीं होगा इंड्यूस चार्जेस आते हैं इंड्यूस और इक्वल होते हैं ना आगे इंड्यूस होगा इक्वल होंगे ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसीलिए तीनों में चार्ज क्या रहेगा सेम सो फर्स्ट का वोल्टेज कितना हुआ क्यू बाय सी वन सेकेंड का वोल्टेज क्यू बाय सी टू थर्ड का वोल्टेज क्यू बाय सी थ्री क्या यह बात समझ में आया अब इन तीनों का अगर एक अकेला बनाऊं जो इन तीनों का काम कर दें इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटर या इक्विवेलेंट कैपेसिटर इसको हमने नाम देंगे इफेक्टिव कैपेसिटर या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये तीनों मिलके क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल रहे हैं ये अकेला क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल ले तो ये कैपेसिटर क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर तो इस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज कितनी हो जाएगी क्यू बाई सी इफेक्टिव हो जाएगी ये लिखा क्यू बाई सी इफेक्टिव फॉर्मूला क्या बना वन बाई सी इफेक्टिव इज वन बाय सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री कैपेसिटर्स में रेजिस्टेंस से उल्टे फॉर्मूलाज होते हैं रेजिस्टेंस में ये पैरेलल का फॉर्मूला था यहां पे ये किसका फॉर्मूला है सीरीज का ठीक है सो so, सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूलाई सी वन प्लस क्लियर है यहां तक yes, sir. Yes, sir. Yes. आप सबको क्लियर है ये हो गया सीरीज के पेस्ट कनेक्शन uh, अब आ जाते हैं पैरेलल पे फिर उसके बाद मैं रुक जाऊंगा पैरेलल समझाने के बाद न्यूमेरिकल्स कराने से पहले ताकि आप कर सकें पैरेलल ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब है इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड हो सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड हो सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड हो मतलब ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है कैपेसिटर ए और बी के बीच में हो एक ए और बी के बीच में ही हो दूसरा ए और बी के बीच में ही हो तीसरा तो ये किस में कहलाते हैं पैरेलल में कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्शन होना चाहिए तो ये किस में कहलाते हैं पैरेलल में कॉमन पॉइंट ए और बी के बीच में पहला है तो ए और बी के बीच में ही दूसरा हो ए और बी के बीच में ही तीसरा हो इसमें दो पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं पहला पॉइंट चार्ज गेट्स डिवाइडेड दूसरा वोल्टेज रिमेन सेम वोल्टेज सेम रहती है और चार्ज डिवाइड हो जाता है ऑब्वियसली डिवाइड होगा जो भी चार्ज आएगा वो तीन हिस्सों में बटेगा कि नहीं बटेगा चार्ज कंजर्व रहता है ना टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी आपको पता है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आया क्यू वन गया या क्यू टू गया या क्यू थ्री गया इन तीनों का सम बराबर होगा कि नहीं होगा क्योंकि चार्ज क्या है कंजर्व कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वोल्टेज क्यू सेम रहती है तीनों के तीनों कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है तो जो ए और बी की वोल्टेज होगी पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम होगा कि नहीं होगा तो वोल्टेज रिमेन सेम बिकॉज ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस कॉमन पॉइंट्स बात समझ में आई सो स्पैरल में क्या सेम रहती है वोल्टेज क्या चेंज होता है चार्ज ठीक है अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा ये तीन कैपेसिटर्स हैं। ये आपने लगाई बैटरी ये V वोल्टेज की बैटरी है प्लीज ध्यान देंगे ये C1 नाम देते हैं, इसको C2 नाम देते हैं, इसको C3 नाम देते हैं। ध्यान देना ये A पॉइंट है बेटा तो ये भी a.2 हुआ ये भी कितना हुआ a. ये भी कितना हुआ a. क्योंकि कंडक्टर है जब तक कंडक्टर है तब तक पॉइंट्स क्या हैं सेम क्योंकि वो इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं इसी तरह ये भी a. ये भी a. a का रास्ता रुक गया पूरा मतलब a a a a a सेम लिखने का क्यों क्या औचित्य है औचित्य ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं सेम पोटेंशियल पे इसी तरह ये b. तो ये b. ये b. ये B point, ये B point, ये B point. C1 कैपेसिटर AB के बीच में C2 कैपेसिटर AB के बीच में C3 कैपेसिटर AB के बीच में बैटरी भी AB के बीच में तो जो A और B के बीच की वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां पे होगी तीनों में तीनों में वोल्टेज क्या रह जाएगी सेम समझ में आया अच्छे से क्यों हो रहा है ऐसा अब आ जाते हैं चार्ज की बात करते हैं टोटल चार्ज निकला Q इधर निकला Q इधर पहुंचा Q क्यू तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ ऊपर गया क्यू वन इधर गया क्यू टू इधर गया क्यू थ्री सो टोटल चार्ज कितना होगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री फर्स्ट वाले के चार्ज को क्या लिख सकते हो सी वन वी क्यूज सी वी फॉर्मूला होता है ना उसकी कैपेसिटी क्या है सी वन वोल्टेज क्या है वी सेकेंड वाले का चार्ज कितना होगा सी टू वी थर्ड वाले का कितना होगा सी थ्री वी नो इन तीनों के एफेक्टिव को मैंने मान लिया फिर से सी एफेक्टिव सेम बैटरी से कनेक्ट होगा तो सेम चार्ज ड्रॉ करेगा ये जो तीनों मिलके कर रहे हैं तो उस एफेक्टिव के लिए मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू सी एफेक्टिव इंटू वी सब्सटीट्यूट कर दो C एफेक्टिव इंटू वी 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 कट गया C एफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई C1 वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री बात समझ में आई

आगे देखिए इसके न्यूमेरिकल्स कुछ करके देखते हैं प्लीज सामने ध्यान दीजिए नो बडी ये तीन कैपेसिटर्स दिए हैं किसमें तीनों सीरीज तीजुण। में ओके प्लीज ध्यान देना ये है टेन माइक्रोफारेड यह है ट्वेंटी माइक्रोफारेड और यह है थर्टी माइक्रोफारेड सी इफेक्टिव इनका कितना हो जाएगा वन अपॉन सी इफेक्टिव इज वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सिंपल डायरेक्ट वाला है यार ये फुद्तू सा वन बाई सी इफेक्टिव सिक्सटी माइक्रोल एलसीएम सिक्स प्लस थ्री प्लस टू इलेवन सी इफेक्टिव कितना हो गया 60 बाय 11 माइक्रो माइक्रोफेरेट नो प्रॉब्लम सच अ ब्यूटीफुल क्यूट क्वेश्चन अब जरा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं मुझे बोला ये तीन कैपेसिटर्स दिए हुए यही तीनों हैं 10 माइक्रो टेन 20 माइक्रो माइक्रोफेरिट 30 माइक्रोफरट साथ में यहां तारे जोड़ दी मैंने ऐसी अब इफेक्टिव निकालना है अब ये तीनों किसमें है Parallel में दिख नहीं रहे पर हैं रट्टे मारे थे आपने ये टेंथ में अब देखो तरीका ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ये ए हो गया कंडक्टर से कनेक्टेड है ये भी ए हो गया इसी तरह ये बी हो गया ये भी बी हो गया इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना किसी भी सर्किट के कोई भी दो पॉइंट्स को अगर आप कंडक्टर से जोड़ देते हो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना मतलब दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया बराबर पोटेंशियल पे ले आए हो शॉर्ट सर्किट का मतलब इफ any two points in a circuit are connected via conductor then both points attain same potential अभी रुक जाओ बेटा लिखने का टाइम मिलेगा अब इस सर्किट को हम रिड्रॉ करते हैं इस सर्किट को रिड्रॉ करते हैं ए पॉइंट बनाओ बी पॉइंट बनाओ ए और बी के बीच में ये पहला कैपेसिटर है टेन माइक्रोफेरेट का ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर बना दिया टेन माइक्रोफेरेट का बी और ए के बीच में ट्वेंटी बी और ए के बीच में ट्वेंटी ए और बी के बीच में थर्टी ए और बी के बीच में थर्टी तो ये तीनों किस में हो गए पैरेलल में तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इस सर्किट में कितनी हो जाएगी सी इफेक्टिव हो जाएगी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री जोड़ दोगे आंसर आ गया सिक्सटी माइक्रोफ मैंने बोला कोई भी दो सर्किट एलिमेंट्स कोई भी दो सर्किट के पॉइंट्स जो सेम कंडक्टर से कनेक्टेड होते हैं वो बराबर वोल्टेज के पॉइंट्स होते हैं तो ये ए है तो ये भी ए हो गया कंडक्टर से कनेक्टेड है ट्वेंटी तो बी so और ए के बीच में ट्वेंटी ए और बी के बीच में थर्टी ए और बी के बीच में थर्टी सेम पॉइंट तीनों कनेक्टेड तो तीनों किस में हो गए पैरल में अच्छा थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं सपोज सर्किट होता है ऐसे 10 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रोफेरेड 30 माइक्रोफेरेड ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है सबसे पहले इसमें डायरेक्टली देखने पे तो लग नहीं रहा क्योंकि जो चार्ज होगा वो डिवाइड होगा सीरीज में नहीं दिख रहा पैरेलल में भी पता नहीं लग रहा तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो जैस जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए सबसे पहले आप सर्किट के सारे जंक्शन के पॉइंट्स के नाम देते हो जंक्शन का होता है जहां वायर्स मीट करती हैं। ये ए पॉइंट है तो ये ए पॉइंट हुआ ये भी ए पॉइंट हो गया ए के रस्ते बंद हो गए ये बी है तो ये बी हो गया ये भी बी हो गया अब जरा इस सर्किट को रीड्रॉ करो ए और बी बनाओ ए और बी के बीच में टेन ए और बी के बीच में टेन माइक्रोफारेट A और बी के बीच में ट्वेंटी ए और बी के बीच में ट्वेंटी माइक्रोफेरेट बी और ए के बीच में थर्टी बी और ए के बीच में थर्टी माइक्रोफेरेट तीनों किसमें हो गए पैरल ये सीरीज नहीं है ग्रुपिंग भी नहीं है ये पैरल तो सी इफेक्टिव कितना आ गया इसका भी 60 माइक्रोफेरेट क्या ये समझ में आता है तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन होंगी जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं नजर आएगा उसमें आप सर्किट को विड्रॉ करोगे एक और एग्जाम्पल देखो यही दोबारा बनाता हूं थोड़ा सा चेंज करूंगा ए ये बी वैल्यूज डाल देते हैं टेन टेन ट्वेंटी थर्टी थोड़ा मॉडिफाई किया ज्यादा नहीं किया अब देखते हैं कौन क्या है ये ए तो ये ए ये ए ये गिवन नहीं है ये मैं बना रहा हूं ये बी तो ये बी ये तो बी नहीं होगा पिछले में बी था मतलब अब हमें इसको एक और नाम देना पड़ेगा सी रिड्रॉ करो सर्किट को ए और बी के बीच में चाहिए बीच में एक चमन को बना लो ए और सी के बीच में टेन ए और सी के बीच में पहला टेन ए और सी के बीच में दूसरा टेन A और सी के बीच में दूसरा टेन ये दोनों किसमें हो गए पैरल में अच्छा बी और सी के बीच में ट्वेंटी बी और सी के बीच में ट्वेंटी ए और बी के बीच में थर्टी ए और बी के बीच में थर्टी लेट्स रीड्रॉ टेन और टेन किसमें नजर आ रहे हैं पैरल में रीड्रॉ करो सर्किट को ए अपनी जगह पे बी अपनी जगह पे थर्टी अपनी जगह पे सी अपनी जगह पे ये दोनों पैरेलल में ऐड हो गए ये हो गया ट्वेंटी माइक्रोफेरेट और ये भी कितना है ट्वेंटी माइक्रोफेरेट अब कौन सीरीज में ट्वेंटी ट्वेंटी ऊपर वाले दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में तो बना ये टेन ये थर्टी अपनी जगह पे ऊपर आ गया टेन ये टेन कैसे आया वन बाय सी डैश इज वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय ट्वेंटी तो सी डैश कितना आ गया सॉल्व करके टेन माइक्रोफेरिट अब ये दोनों किसमें पैरेलल में तो सी इफेक्टिव कितना हुआ फोर्टी माइक्रोफेरिट समझ में आया एक चीज नोटिस करो ध्यान से बड़े प्यार से बड़ी क्यूट बात है वो क्यूट बात ये है अगर मैं ये एक ही ये वायर ना बनाता तो ये ट्वेंटी और थर्टी भी सीरीज में मानते ना मैंने जिन पॉइंट्स के बीच में जिन पॉइंट्स के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है वहां दो डंडिया बना दी है उसका क्या मतलब है उसका रीजन है टू फाइंड Effective capacitance to find effective capacitance between two points means external voltage may be connected across those two points. जिन भी पॉइंट से आपको इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है इसका मतलब उन पॉइंट के अक्रॉस एक्सटर्नली वोल्टेज कनेक्ट हो सकती है मतलब यहां एक एक्सटर्नल सर्किट है इसीलिए ये डंडिया बनाई अगर ये डंडी ना होती तो पूरा क्वेश्चन पलट जाता जैसे अब अगला पलटेगा ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको बोला फाइंड इन द फॉलोइंग सर्किट इसके बाद मैं रुकूंगा आप लिख लेना इन फॉलोइंग सर्किट फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन फर्स्ट पार्ट ए एंड बी ए की सर्किट है ए एंड सी सर्किट ये है ए बी सी डी टेन माइक्रोफेर टेन माइक्रोफेर टेन माइक्रोफेरिड टेन माइक्रोफेर टेन माइक्रोफेरेड सब टेन माइक्रोफेरिड के दो पार्ट्स में आंसर निकालना है ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है ए और सी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है ए और बी के बीच में निकालने का मतलब क्या हुआ कि जब ए और बी के अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होगा तब इफेक्टिव मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट पहले कर रहा हूं अगर मैं सिर्फ ऐसे बना देता हूं डायरेक्टली मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ ऐसे ही बना दिया तो आप कह सकते हो सर ये दोनों सीरीज में ये दोनों भी सीरीज में बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि आपको ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट करना है ए और बी के अक्रॉस निकालनी है तो आप ए से ऐसी डंडी बनाओ और बी से ऐसी डंडी बना दो ये दो तो सीरीज में होंगे बट ये दो सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि जो चार्ज आएगा वो अब डिवाइड हो जाएगा इसीलिए ये डंडी बनानी बहुत जरूरी है किन पॉइंट्स के अक्रॉसअप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो उधर दो लाइंस बना दो विच शोज कि यहां पे एक्सटर्नल सर्किट है सीरीज में के लिए चार्ज सेम जाना चाहिए अगर ये एक्सटर्नल है तो जो चार्ज आएगा वो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो चार्ज सेम थोड़ी ना जाएगा तो चार्ज सेम जाने के लिए कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए मतलब ये टेन माइक्रोफेरिड है ये सारे के सारे टेन माइक्रोफेरिड है ये भी टेन माइक्रोफेरिड है ये भी टेन माइक्रोफेरिड है ये भी टेन माइक्रोफेरिड है जो ए बी और B, ये सीरीज में नहीं है हां एडी और डीसी सीरीज में है क्योंकि यहां एक्सटर्नल सर्किट नहीं है एडी और डीसी सीरीज में है मतलब सबसे पहले इन तीनों इन दोनों को सॉल्व कर लो वन बाई कैपेसिटेंस ऑफ एडीसी एडीसी सेक्शन में ये हो जाएगा वन बाई कैपेसिटेंस ऑफ एडी प्लस वन बाई कैपेसिटेंस ऑफ डीसी सो कैपेसिटेंस ऑफ एडीसी सॉल्व करके आ जाएगा फाइव माइक्रोफेरेट पैरेलल में वैल्यू डाल दोगे ना वन बाई फाइव माइक्रोफेरेट मतलब अब ये सर्किट बदल गया ऐसे अब ये सर्किट हो गया ए और बी हमेशा मैं ए और बी में डंडी बनाऊंगा ये C, ये फाइव माइक्रोफेरेट ये सॉल्व करके कितना ये भी कितना था टेन माइक्रोफेरेट और ये कैपेसिटी कितनी आ गई एडीसी सेक्शन की फाइव माइक्रोफेरेट एनी प्रॉब्लम ये पांच माइक्रोफेरेट आ गई अब क्या दिख रहा है आपको अब ये दो सेक्शंस मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं क्योंकि दोनों एसी के अक्रॉस कनेक्टेड है कैपेसिटेंस ऑफ एसी सेक्शन कितनी हो गई 10 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरिड ये कितना आया 15 माइक्रोफेरेड नो प्रॉब्लम तो अब ये सर्किट किसमें कन्वर्ट हो गया ए अपनी जगह पे बी अपनी जगह पे सी अपनी जगह पे ये हुआ 15 माइक्रोफेरेड ये था 10 माइक्रोफेरेड और ये था टेन माइक्रोफरिट राइट गॉट इट? अच्छा जी एसी और सी बी अब किस में दिख रहे हैं सीरीज में ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां डिवाइड होगा यहां पे भी डिवाइड होगा ये दो सीरीज में नहीं है अब कौन सीरीज में है एसी और सीबी मतलब अब आप कहोगे वन बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए सी बी गया वन बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए सी प्लस वन बाय कैपेसिटेंस ऑफ सी बी सो वन बाय कैपेसिटेंस ऑफ एसीबी सेक्शन वन बाय फिफ्टीन माइक्रो प्लस वन बाय टेन माइक्रो थर्टी माइक्रो एलसीएम टू प्लस थ्री सी ए बी सी कितना एसीबी कितना आ गया सिक्स माइक्रोफेरेट सो दोबारा बनाते हैं इसको ये ए ये बी ये अपना दस माइक्रोफेरेट अब एज इट इज चल रहा है और ये सेक्शन कितना आ गया छह माइक्रोफेरेट So, अब आप सी इफेक्टिव निकाल सकते हो सिक्सटीन माइक्रोफर ये दोनों में हो गए पैरेलल में इट समझ में आ गया अच्छा यही क्वेश्चन हां जी बेटा बोलिए डी और ए एबी और सी जो चार्ज इधर जाएगा वो चार्ज दोनों सेक्शंस में डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो जब डिवाइड होता है तो सीरीज थोड़ी ना होता है सीरीज कब होता है जितना चार्ज जाए उतना ही दूसरे के पास जाना चाहिए ठीक है अच्छा अब इसी का अब इसी का सेकेंड पार्ट ए और सी के क्रॉस अगर निकालना है तो ए और सी के क्रॉस जब निकालना है तो क्या होगा ध्यान दें सब लोग ए और सी के क्रॉस निकालते हैं ए एंड सी के क्रॉस ए so, पे डंडी बनाओ और सी पे डंडी बनाओ अब ये दो सीरीज में ये दोनों भी सीरीज में क्योंकि अब तो नहीं डिवाइड हो रहा ना यहां पे। इसीलिए डंडी बनाना जरूरी है विच शोज एक्सटर्नल सर्किट में भी कनेक्टेड अक्रॉस दीज टू पॉइंट नाउ डिवाइड आपके पास ये दोनों 10 और टेन सीरीज में आ गए कितना होता है वन बाई सी डैश इज वन बाई टेन प्लस वन बाई टेन सोल्व करके आएगा सी डैश आ गया फाइव माइक्रो फराड तो ये ए पॉइंट एज इट इज रखो सी एज इट इज रखो ये बीच में आ गया टेन माइक्रोफेरेट इसका सॉल्व करके आया पांच ऊपर वाला सॉल्व करके आया पांच ओवरऑल तीनों अब किसमें हो गए पैरेलल में सो सी इफेक्टिव कितना हुआ ट्वेंटी माइक्रोफेरेट क्लियर समझ में आया ये समझ में आया कि मैं डंडियां क्यों बना रहा हूं ये काम की चीज है ठीक एक और देखो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड है बेटा उन पॉइंट्स में अगर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट हो गया बेटा तो वहां वो डिवीजन होगी ना चार्ज की वो शो हो जाता है अगर मैं ये नहीं बनाता पिछले केस में सपोज मैं ये डंडी नहीं बनाता तो मुझे ख्वाब थोड़ी ना आएंगे कि यहां पे डिवाइड नहीं होगा हाँ फिर वो सीरीज में ही काउंट होता पर वो काउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि सर उसके अक्रॉस कनेक्शन है सपोज ऐसा सर्किट होगा ए और बी के बीच में इफेक्टिव निकालना है यह टेन माइक्रोफेरिड टेन माइक्रोफेर फाइव माइक्रोफैरडेन माइक्रोफेरिड टेन माइक्रोफेर इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है सबसे पहले क्या नजर आ रहा है ये दो सीरीज में दिख रहे हैं टेन और टेन सीरीज में कितना हो गया फाइव अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सो ये एज इट इज रहे और टेन किसमें हो गए फाइव माइक्रो अब ये फाइव और फाइव किसमें हुए पैरल में कितना हो गया टेन ये टेन अपनी जगह पे ये टेन बन गया और ये भी कितना हुआ टेन अब तीनों किसमें हो गए सीरीज में सो सी इफेक्टिव कितना हो जाएगा टेन बाई थ्री समझ में आया मुश्किल तो नहीं जी ए और बी एक्सटर्नल जिन भी पॉइंट्स के अक्रॉस इफेक्टिव निकालना है मतलब वो एक्सटर्नल सर्किट में किसी चीज से कनेक्टेड है ठीक है समझ में आया एक और देखते हैं इसी बात पे ये एक कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर ऐसे के बेस्टर ऐसे के बेस्टर ऐसे के बेस्टर ऐसे के बेस्टर ये बीच में पॉइंट है कनेक्शन है यहाँ पे ए और बी के बीच में इफेक्टिव निकालनी है ये भी वन माइक्रोफैरड है ये भी वन माइक्रोफैरड है ये भी वन माइक्रोफेरिड है ये भी वन माइक्रोफेरड है ये भी वन माइक्रोफेरिड है ये भी वन माइक्रोफेरिड है, है सब के सब वन माइक्रोफेरिड है इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है निकालते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी ये ए पॉइंट है तो ये भी क्या हुआ ए पॉइंट ये भी क्या हुआ ए पॉइंट ये भी क्या हुआ ए पॉइंट ये बांदर तो ये भी बांदर. ये भी बांदर ये भी बांदर ये भी बांदर ये बीच में बच गया इसको लिखेंगे सी ठीक है अब आ जाओ दोबारा बनाते हैं सर्किट को ए बी सी गेरा अब एक एक करके स्ट्राइक डाउन करते हैं ए और सी के बीच में वन दोनों ए और बी के बीच में पहला वन ए और सी के बीच में ये हो गया वन ए और सी के बीच में दूसरा वन दोनों किसमें हो गए पैरेलल में हो गए बी और सी के बीच में वन बी और सी के बीच में दूसरा वन A और बी के बीच में वन ए और बी के बीच में वन ठीक है छ के छे बन गए। अब जो पैरल में वो बना लो वन और वन किस में पैरल में पहले इसको ए और बी बनाओ इधर सी लिखो ये कितना हो गया वन और वन पैरल में टू माइक्रो ये भी टू माइक्रो ये भी टू माइक्रो अब क्या हुआ बताओ कौन सीरीज में ऊपर वाले।, वाले ये नीचे वाला नहीं क्योंकि ये डंडी लगी हुई है कितना हुआ ये ये ए ये बी ये टू माइक्रो और ऊपर टू और टू सीरीज में कितना हो गया वन माइक्रोफेरेट दोनों पैरेलल में सी इफेक्टिव कितना हो गया थ्री माइक्रोफेरेट ठीक है समझ में आया पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा चेंज लास्ट क्वेश्चन फिर उसके बाद आप लिखना बोल चुका मैं दो तीन बार पर कोई बात नहीं <laughs> वो भावनाएं एक वक्त वो आ जाती हैं आगे आड़े ये कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर सेम क्वेश्चन चल रहा है ना वन माइक्रो वन माइक्रो वन माइक्रो वन माइक्रो वन माइक्रो वन माइक्रो ये जंप मार ली ऊपर से ब्रिज बना दिया मतलब अब ये जॉइंट नहीं है मतलब अब वो सी नहीं है मतलब अब सी है ही नहीं मतलब अब ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है क्या करोगे कुछ नहीं ज्यादा कुछ ये और आसान है ये ए हो गया ये ए हो गया ये बी हो गया ये बी हो गया अब देखो ये ए बी वाले दोनों सीरीज में हो गए ना ये दोनों भी सीरीज में हो गए ना ये था ये बी के बीच में ये बी ए बी के बीच में रीड्रा करो सर्किट को ये ए ये बी ए और बी के बीच में वन ए और बी के बीच में एक और वन अब ए और बी के बीच में ये वाली ब्रांच लूंगा तो टू वन और वन पैरल में कितना वन और वन सीरीज में कितना होता है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव माइक्रोफर इसी तरह ए और बी के बीच में ये दूसरी ब्रांच ये भी वन और वन सीरीज में कितना होता है पॉइंट फाइव तो ये एक और पॉइंट फाइव खत्म कितना हो गया पैरल में वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री सी इफेक्टिव कितना हो गया थ्री माइक्रो इजी लगा समझ में आया ओवरव्यू क्लियर है ए, नहीं बेटा वन और वन सीरीज में कितना होता है वन बाई सी इन सीरीज इज वन बाई वन माइक्रो प्लस वन बाई वन माइक्रो सो so, सी एस हो गया वन अपॉन सी एस हो गया टू माइक्रो वन अपॉन टू अपॉन वन माइक्रो टू बाईन माइक्रो तो सी एस कितना हो गया हाफ ऑफ माइक्रो फेरेट पॉइंट वन और वन सीरीज थे ना बेटा ठीक है समझ में आया सीरीज में ना दो में एक चीज याद रख लो इजी रहता है अगर दो वाला हो वन बाई सी सीरीज इज वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू तो सी सीरीज सॉल्व करके कितना आएगा सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम हाफ आ गया ठीक है टू और थ्री हो, टू इंटू थ्री अपॉन टू प्लस थ्री सिक्स बाय फाइव डायरेक्ट निकालने के काम में आता है ये तीन में मत लगा देना कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कर लेते हैं ये सिर्फ दो के लिए बताया मैंने तीन होता तो फिर वो एलसीएम लेके पूरा बनता एक्सप्रेशन समझ में आया यहां तक क्लियर है इतना लिखिए फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट अब ये सीरीज पैरल के बेसिक क्वेश्चंस के बाद अब हम देखते हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है सर्किट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब आप क्या करते हैं सबसे पहला काम किसी भी सर्किट में तीन स्टेप्स आप फॉलो करेंगे पहला स्टेप क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में आप कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट हमेशा दूसरा स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज ड्रॉन बैटरी और सेल क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सी इफेक्टिव इन टू अप्लाइड वोल्टेज तीसरा स्टेप होगा डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सामने देखे मैं आई विस्टार्ट विद व वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन and moves on to i'll move on to the difficult question step by step pehla agar aapke paas single capacitor hai ek single chhota sa fuddu sa capacitor hai 10 microfarad ka aapne 10 volt ki battery laga di तो सबसे पहली बात क्योंकि ये एक ही capacitor है तो इस circuit की effective कैपेसिटी हो गई 10 माइक्रोफेरेट जो 10 वोल्ट की वोल्टेज लगी वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ही है तो चार्ज ड्रॉन कितना हुआ चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट बैटरी वो गया सी इफेक्टिव इनटू वोल्टेज 100 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो कूलम निकला 100 माइक्रो कूलम इधर पहुंचा 100 माइक्रो कूलम इसके पास आ गया तो यानी इसकी वोल्टेज भी कितनी हो गई सी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी क्यूबाई सी चार्ज कितना है हंड्रेड माइक्रो कैपेसिटी कितनी है टेन माइक्रोफेरेट वोल्टेज हो गई दस वोल्ट जो भी अप्लाई की वो सीधी सीधी इसके पास आ गई नो no प्रॉब्लम अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको ये तो बिल्कुल ईजी था आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में एक है टेन माइक्रोफैरिट एक है ट्वेंटी माइक्रोफेरेट और आपने बैटरी लगा दी 9 वोल्ट की दोनों का चार्ज और वोल्टेज निकालना है ये पहला एग्जाम्पल लिया मैंने एक एक करके बढ़ेंगे इस सेकेंड पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप आप निकालेंगे सी इफेक्टिव वन बाई सी इफेक्टिव हुआ वन बाई टेन माइक्रो प्लस वन बाई ट्वेंटी माइक्रो सॉल्व करके सी इफेक्टिव आ जाएगा ट्वेंटी बाई थ्री माइक्रो क्या बताया था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम 200 बाय 30 कितना हुआ 20 बाय 3 फिर आप निकालेंगे चार्ज ड्रॉन चार्ज ड्रॉन ये होगा सी इफेक्टिव इनटू वोल्टेज सी इफेक्टिव कितना 20 बाय 3 माइक्रो और वोल्टेज कितनी आपने लगाई है नाइन वोल्ट मल्टीप्लाई करो कितना आया साठ कूलम ये साठ माइक्रोकुलम इधर से निकला साठ इधर पहुंचा इसके पास आ गया साठ माइक्रोकुलम इसके पास आ गया साठ माइक्रोकुलम नो no प्रॉब्लम सीरीज में क्या सेम रहता है चार्ज मतलब जो पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी थी टेन माइक्रोफेर उसका चार्ज आया आपके पास सिक्सटी माइक्रोकुलम तो यानी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो जाएगी क्यू बाई सी वो कितनी आ जाएगी सॉल्व करके चार्ज कितना था सिक्सटी और कैपेसिटी टेन सिक्स वोल्ट सेकेंड कैपेसिटर ट्वेंटी माइक्रो का इस पे भी चार्ज आया सिक्सटी माइक्रोकूलम इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी क्यू टू बाई सी टू कितनी आ गई थ्री वोल्ट आप खुद देखो थ्री प्लस सिक्स सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू नाइन अप्लाइड के बराबर आ रही है नो no प्रॉब्लम तीसरा अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हो ये एक कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर दोनों आपने पैरेलल में लगा दिए टेन माइक्रोफेरेट ट्वेंटी माइक्रोफैरट बैटरी लगाई दस वोल्ट की पहली अप्रोच डायरेक्ट भी है पहले पहले थोड़ी लंबी सी एफेक्टिव निकालो कितना हो गया दोनों पैरेलल में थर्टी माइक्रोफेरेट फिर टोटल चार्ज ड्रॉन टोटल चार्ज ड्रॉन वो कितना हो गया सी एफेक्टिव इंटू वोल्टेज सी एफेक्टिव इंटू वोल्टेज कितना हुआ 300 हंड्रेड कूलम नो प्रॉब्लम पक्का सो टोटल चार्ज आपने कितना ड्रॉ किया 300 माइक्रो कूलम अब 300 माइक्रो माइक्रोकूलम इधर से निकला 300 माइक्रो कूलम इधर से निकला 300 इधर पहुंचा 300 इधर पहुंचा 300 माइक्रो कूलम कंफ्यूज्ड है कि मैं कहां से जाऊं मान लिया ऊपर चला गया स्मॉल q नीचे कितना जाएगा 300 माइक्रो माइनस स्मॉल q पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है सो so इसकी वोल्ट इसकी कैपेसिटी c1 बोल दिया ये c2 सो so दोनों की वोल्टेज क्या होगी बराबर v क्या होता है q c सो so q 10 माइक्रो ज थ्री हंड्रेड माइक्रो माइनस क्यू बाई ट्वेंटी माइक्रो क्रॉस मल्टीप्लाई टू क्यू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड माइक्रो माइनस क्यू थ्री क्यू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड माइक्रो तो चार्ज कितना हुआ हंड्रेड माइक्रोकूलम सो यानी पहला कैपेसिटर जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी है टेन माइक्रो फैर उस पर चार्ज कितना आएगा क्यू के बराबर यानी हंड्रेड माइक्रोकूलम और उसकी वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी Q बाई सी कितना आएगा? 10 वोल्ट जो दूसरा कैपेसिटर है 20 माइक्रो उस फिर चार्ज कितना थ्री हंड्रेड माइक्रो माइनस आ गया 200 माइक्रो कूलम तो उसकी वोल्टेज भी कितनी आ गई 10 वोल्ट ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में थे वोल्टेज सेम आनी थी तो ये अब सीधा प्रॉपर्टी की फॉर्म में यूज करो जरूरी थोड़ी ना डायरेक्ट क्वेश्चन है आप इसको सीधा सीधा सोच सकते हो कि आपने यहां पे लगाया 10 ये था 20 माइक्रोफेरेट ये था 10 माइक्रोफेरेट और आपने बैटरी कितने की लगाई बैटरी लगाई आपने 10 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई 10 वोल्ट की तो अब सीधा सीधा बोलो ये ए पॉइंट है ये ए पॉइंट है ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ये बी पॉइंट है ये बी पॉइंट है, है तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया एबीस टेन वोल्ट है तो एबीआईन हो गया टेन वोल्ट हो गया तो अब इसके चार्ज कितना हो जाएगा? कर दो इसका चार्ज कितना सर्किट में सॉल्व हो गया बट यह कब नहीं चलेगा बाई चांस सिचुएशन ऐसी हो मिक्स ग्रुपिंग हो यहां लगाया आपने 10 माइक्रोफेरेट 10 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रोफेरेट अब 10 और 10 किस में पैरल में कितना आंसर आया 20, फिर 20-20 सीरीज में कितना हुआ 10, इसका सी इफेक्टिव सॉल्व करके आ गया 10 माइक्रोफेरेट ये है 10 वोल्ट सबसे पहला स्टेप टोटल चार्ज ये हो गया सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज सो टेन माइक्रोफेरिड इंटू टेन वोल्ट सो माइक्रोकूलम अब ये दस पूरा इसके अक्रॉस थोड़ी ना होगा अब डिवाइड आधा भी किसने बोला डिवाइड होना है मुझे नहीं पता आधा है कि नहीं इस केस में वैसे जरूरी थोड़ी ना तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे इधर आया हंड्रेड माइक्रोकुलम ंड्रेड इधर पहुंचा हंड्रेड इधर पहुंचा इधर पहुंच गया हंड्रेड माइक्रो गुलम अब इधर पहुंचा हंड्रेड दो पार्ट्स में डिवाइड होना है अभी दोनों इक्वल नहीं थे तो प्रोपोर्शन में डिवाइड हुआ अब दोनों इक्वल जब होते हैं तो ऊपर मान लिया स्मॉल क्यू नीचे कितना गया हंड्रेड माइनस क्यू आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ऊपर पचास नीचे पचास अभी मैं सिर्फ शो कर रहा हूं हंड्रेड माइक्रो माइनस क्यू अभी आप ऊपर से देखो तो ये वोल्टेज सेकेंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर होगी V2 और V3 बराबर होंगे Q बाई सी क्यू कितना है Q और 10 माइक्रो दूसरा 100 माइक्रो माइनस क्यू अपॉन टेन माइक्रो बराबर होते हैं जब कैपेसिटर तो चार्ज क्या हो जाता है आधा आधा डिवाइड हो जाता है सो so, ऊपर भी कितना आ गया माइक्रो कूलम नीचे भी कितना आ गया माइक्रो कूलम तो अब आप वोल्टेजेस निकाल सकते हो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई क्यू बाई सी पांच वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हुई क्यू बाई सी पांच वोल्ट इसके अक्रॉस भी क्यू बाई सी कितनी हुई पांच वोल्ट पैरेलल में सेम आनी चाहिए इसका पांच और ये पांच ऐड होके दस आना चाहिए समझ में आया ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे मुश्किल इसमें है नहीं चांस एक क्वेश्चन आया ये पेपर एनसीआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बैटरी की जगह प्लस माइनस लिखा है 300 वोल्ट 200 हंड्रेड पी फैरड टू हंड्रेड पी को फार हंड्रेड पी को हंड्रेड पी को फैरिट सब पे चार्ज और वोल्टेज निकालना है बोर्ड में आया हुआ ये थ्री में या फोर में ऐसे ही आया था सबसे पहला काम इफेक्टिव निकालोगे इफेक्टिव कितना होगा बताओ दो सो दो किस में हो गए सीरीज में पहले इसको सीरीज बनाओ ये तो हंड्रेड हुआ एज इट इज ये कितना हुआ हंड्रेड हो जाएगा नीचे भी कितना है, 100 है। ये दो पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट हो गए अब बताओ इफेक्टिव कितना आएगा 300। सबका गलत है तो तो ये दो पैरेलल हुए इसके साथ सीरीज हुए ये तीनों पैरेलल कैसे हो सकते हैं ये ए पॉइंट है ये ए पॉइंट है ये ए पॉइंट थोड़ी ना ये ए पॉइंट है ये ए हुआ ये बी है ये बी है ये बी है ये थोड़ी ना ए और बी है ये तो सी हो गया बैटरी लगी हुई भाई सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्शन होता है ये दो पैरेलल में हुए तो इसका हुआ 200, ये बैटरी और ये 100, अब जो चार्ज इधर जाएगा वो इधर जाएगा तो ये किस किसमें हुए सीरीज में समझ में आई बात तो ध्यान से ये सबसे मेजर सोर्स ऑफ रह इस क्वेश्चन में और इजी सा है तीन वोल्ट आपने लगाया तो सी इफेक्टिव कितना हुआ सी इफेक्टिव हुआ 200 सो बाय तीन पी को फैर कितना होता है टेंटपार माइनस ट्वेल्व अब निकालो टोटल चार्ज टोटल चार्ज ड्रॉन टोटल चार्ज ड्रॉन हो गया Q इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इन टू वोल्टेज सी इफेक्टिव कितना है 200 हंड्रेड बाई थ्री पी को वोल्टेज कितना है 300 सो वोल्ट हजार पीकोकूलम ये टोटल चार्ज ड्रॉन आया ट्वेंटी थाउजेंड पीकोकुल ट्वेंटी थाउजेंड पीकोकुल यहां पहुंचा पॉजिटिव से निकलेगा दो पार्ट्स में डिवाइड होना है दो पार्ट्स में डिवाइड होना है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बराबर बराबर चार्ज आएगा क्यों बराबर चार्ज जाएगा क्योंकि इस ब्रांच की इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी हंड्रेड

इसकी वोल्टेज कितनी हो गई 100 वोल्ट क्यू बाई सी इसकी वोल्टेज कितनी हो गई 50 वोल्ट क्यू बाई सी इसकी भी कितनी हो गई 50 वोल्ट क्यू बाई सी इसकी कितनी हो गई 200 वोल्ट क्यू बाई सी समझ में आ गई बात क्लियर स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो ना ये C1 लिखोगे फिर वी क्यू चार्ज लिखोगे फिर वोल्टेज कैलकुलेट कर दोगे मैंने डायग्राम ही कर दिया समझ में आया टोटल so, चार्ज निकाला बेटा पहले टोटल चार्ज तक समझ में आता है टोटल yes, चार्ज जो निकला वो आया आपका ट्वेंटी थाउजेंड पी को इधर आया दो पार्ट्स में डिवाइड होगा टेन थाउजेंड इधर चला गया टेन थाउजेंड ऊपर चला गया ऊपर टेन थाउजेंड नीचे दोनों के पास टेन 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 ऊपर से टेन इधर से दोनों मिलकर से ट्वेंटी और इसके पास आ गया ट्वेंटी सो ट्वेंटी थाउजेंड पी को यहां पहुंच गया ठीक है इंडिविजुअल वोल्टेज निकल जाएगी यहां तक समझ में आया इतना लिखो पहले कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं शॉर्ट सर्किटिंग पे जैसे आपको बोला फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी 10 microfarad, 10 microfarad, 10 माइक्रोफेरेट टेन माइक्रोफेरेड टेन माइक्रोफेरेट एफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी कैसे निकालोगे आंसर इसका सीधा सीधा है टेन माइक्रोफेरेट खत्म क्यों क्योंकि देखो शॉर्ट सर्किट हो गया ये बी पॉइंट है ये भी बी पॉइंट हो गया ये बी हो गया ये बी हो गया ये दोनों में कोई काम नहीं है यहां पर कोई करंट पास ही नहीं होगा क्यों पास नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस करंट को या चार्ज को पाथ ये वाला मिल जाएगा ये बाईपास हो जाएगा तो आपके पास सी इफेक्टिव सीधा-सीधा सिर्फ एक ही कैपेसिटर का आ गया 10 माइक्रो खत्म समझ में आया एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए एक बार बेटा जी जब आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जब आपने शॉर्ट सर्किट जब आपने

सिचुएशन आती है जब हम यूज करते हैं वीथस्टोन ब्रिज यह वीथ स्टोन ब्रिज क्या है गेहूं पत्थर सेतु वीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है आगे डिटेल में आएगा अभी सिर्फ आप याद रखिए ये कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हो C1, C2, C3, C4 और यहां लगाओ बीच में C5 और ये ऐसे हो सो so, अगर C1 वन अपॉन सी टू इज सी थ्री अपॉन सी फोर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस या फिर ऐसे भी सोच सकते हो रीअरेंज रे करके C1 वन अपॉन सी थ्री इज सी टू बाई सी फोर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस सोचो या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस सोचो देन नो चार्ज पासिस थ्रू C5, बीच वाले में कोई करंट पास नहीं होगा तो उसको आप नेग्लेक्ट मार सकते हो आपके पास सिचुएशन ऐसी बन जाएगी अब आप इसको सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर सकते हो जैसे सपोज आपको बोला ये कैपेसिटर है माइक्रोफारेड, ये कैपेसिटर है टेन माइक्रो ये ट्वेंटी माइक्रोफारेड, ये कैपेसिटर है ट्वेंटी माइक्रोफारेड, ये कैपेसिटर है फोर्टी माइक्रोफारेड, बीच में लगा दिया आपने सेवन माइक्रोफारेड, आपको बोला ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो अब आप क्या करोगे सबसे पहले रेशियो दिस अपॉन दिस वन इज टू टू वन इज टू टू रेश्यो बराबर है बीच वाली ब्रांच को उड़ा दीजिए आपके पास क्या आ गया इधर आ गया ये दूसरा बना बीच वाला खत्म हो जाएगा ऐसे ये ए ये बी इसको सी बोल दो इसको डी बोल दो ये है टेन माइक्रोफेरिड ये है ट्वेंटी माइक्रोफेरिड ये है ट्वेंटी माइक्रोफेरिड ये है फोर्टी माइक्रोफेरिट सो इस ब्रांच का सी के पास कैपेसिटेंस ऑफ एसी बी इस ब्रांच की कैपेसिटी कितनी हो गई ट्वेंटी बाई थ्री और कैपेसिटेंस ऑफ एडी बी प्रोडक्ट करो आठ सौ बाय सिक्सटी एट हंड्रेड बाई सिक्सटी कितना हुआ फोर्टी बाय थ्री मानते हो ये बात अब ये दोनों पैरेलल में हो गए सेक्शन इन दोनों का और इन दोनों का तो सी इफेक्टिव कितना हुआ सी इफेक्टिव हुआ दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर दोगे 20 बाई थ्री माइक्रो प्लस 40 बाई थ्री माइक्रो आंसर आ गया 20 माइक्रो गॉट इट जितने भी ये वीट स्टोन ब्रिज गेहूं पत्थर सेतु होते हैं सब ऐसे कई बार नजर नहीं आता जैसे सपोज आपको ये दिया बोला इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो अब क्या करोगे अब ये तो शॉर्ट सर्किट नहीं है ना ए और बी के बीच में इफेक्टिव निकालना है ये सी वन ये सी टू C3, सी थ्री सी फोर सी फाइव अब नाम दो ये ए बी ये इसको नाम दे दिया सी इसको नाम दे दिया डी अलग अलग नाम लेने पड़ेंगे अब ए और बी तो नहीं है रिड्रॉ करो इस सर्किट को A, B, A और C के बीच में C1, सी यहां ले लो कहीं सी और डी के बीच में सी टू डी यहां ले लो कहीं सी और डी के बीच में सी टू डी और बी के बीच में सी थ्री डी और बी के बीच में सी थ्री सी और एर uh, डी के बीच में सी फोर ए और डी के बीच में सी फोर और सी और इसके बीच में बी के बीच में क्या आया सी फाइव बन गया व्हीट ब्रिज बिल्ले, बिल्कुल लेना पड़ेगा फिर और टेक्निक्स होती है। वो बात की बात है अभी पहले रेशो वाला ले रहे हैं ब्रिज प्रिंसिपल तब एप्लीकेबल होगी? होगी। तो जो इधर जाएगा वो इधर भी, भी जाएगा फिर आपस में दोनों किसमें हो गए सेक्शन पैरल में ठीक है बेटे जो चार्ज इधर जाएगा वो इधर जाएगा ना बी का कहा है कुछ नहीं है हाँ, इधर इधर आके चार्ज भिड़ेगा थोड़ी ना बैटरी लगी होगी तो बेटा पॉजिटिव से ही चार्ज निकलता है क्या कर रहा है ठीक है ऐसे तो कभी भी सीरीज होगा ही नहीं ठीक इसके क्वेश्चन आज कौन से करने होमवर्क मार्क कीजिए असाइनमेंट में पेज नंबर टॉपिक नंबर 2.35 क्वेश्चंस जो मार्क करा रहा हूं वो वो करने हैं क्वेश्चन नंबर वन से लेकर एटीन तक इसमें इन फ्यू क्वेश्चंस बीच में एक दो क्वेश्चंस में लीव एनर्जी वाला पार्ट एनर्जी अभी हमने अगली क्लास में करनी है एनर्जी वाला अगर कोई पार्ट आ जाए तो उसको छोड़ देना कि फाइंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वन टू एटीन अभी रुक जाओ खत्म नहीं हुआ वन टू एटीन एटीन भी नहीं रुको वन से ट्वेंटी थ्री एक्सेप्ट क्वेश्चन 19 उन्नीसवा छोड़ के एक से तेईस तक आगे के भी कर सकते हो पर डिवाइड कर करके करेंगे पहले फर्स्ट 23 एक्सेप्ट 19 फर्स्ट 23 एक्सेप्ट 19 ये अटेम्प्ट चाहिए मेरे को अगली क्लास में अगली क्लास में मैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिमेनिंग कॉन्सेप्ट खत्म करके इसका थियोरी बाइंड अप कर देंगे फिर न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करेंगे ठीक है आज वाले तो सारे समझ में आ गए थैंक यू वेरी मच